नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सीधा रुख करते हैं प्रदेश की अहम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मतदान के दौरान युवाओं में खास जोश देखने को मिला और युवाओं से सीधी बातचीत की गई। युवाओं ने अपना अपना पक्ष रखा, मौजूदा सरकार के कार्यों की प्रशंसा भी हुई और आने वाले समय में जो भी सरकार चुनकर आता है उनसे बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, यातायात आदि के शिक्षा के क्षेत्र में और कार्य करने की आवश्यकता है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आप जो है युवा है, आप आज मतदान किन किन बिंदुओं को देखते हुए कर रही हैं, कृपया बताएं। देखिए, बेरोजगारी की समस्या है और सब मेन तो यही है, बेरोजगारी की समस्या, विकास, इन्हीं सब बातों पे होना चाहिए। विकास मेन मुद्दा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो विकास और बेरोजगारी ये मुद्दे आज के हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों पे, किन जो है बिंदुओं को देखते हुए आज आप मतदान कर रही हैं। अब थोड़ा पहले से अच्छा हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा सर। हमारे वहाँ दो हैंडीकैप हैं, दो लोग हैंडीकैप है समझ लीजिए, मतलब बहुत परेशान है। लेकिन लड़का मेरा जो है पढ़ के इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, लेकिन उसको फार्म भरता है जी, कोई ना कोई कारण कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। बेरोजगारी आपके लिए मुख्य मुद्दा है? वही, यही बैठे हुए हैं घर में, खड़े हैं यहीं पे। बताइए सर, खाने को लाले पड़ जा रहे हैं हम लोग के। कुछ सोच के तो दिया जाता, अच्छा नेता चुना जाता है कि भाई हम लोग को कुछ तो तकलीफ समझेंगे। ना नौकरी है ना कुछ, लड़का मेरा इतना पढ़ लिख के घूम रहा है, चल नहीं पाता बिल्कुल वो। अच्छा, फार्म भरता है, कभी होता कि लीक हो गया, कभी होता कि मतलब कुछ ना कुछ मतलब अड़ंगा लग ही जाता है उसका, तो क्या करे आप वो। अब भैया तो मर ही जाए भैया, हम जब तक रहेंगे तब तक तो ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा उसका। कम से कम नौकरी हो उसके पास तो खा सकता है, कैसे करेंगे। अब 30 साल का हो रहा है बच्चा मेरा, इसलिए मन तो बहुत दुखी है। फिर भी चलिए ठीक है, ये है जो भी है उसके लिए। तो बेरोजगारी देखिए मुख्य मुद्दा जो है, ये बहन जी का मुख्य मुद्दा जो है बेरोजगारी है। बेरोजगारी के लिए वो काफ़ी परेशान है, घर में इनके समस्याएं हैं। जैसा कि आप देखते थे हमारे साथ एक दिव्यांग, यही है पति भी मेरे इसी, बच्चा जी, बच्चा भी हमारा इसी तरह है। भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुख्य बिंदुओं पे आप मतदान करना चाह रहे हैं आज? मतदान जो है मुख्य बिंदु यही है कि वो जो बेरोजगारी और महंगाई सबसे ज़्यादा यही हो रहा है हम लोगों को, हम गरीब आदमी लोगों को जो है। अब बताइए इतनी महंगाई में कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। ये जो लोग राशन कार्ड में चावल मिलता है वो चावल 30 रुपये किलो अलग से बेच रहे हैं, समझ लीजिए। मतलब लेते हैं कंटों से लोग, बेचते हम लोग तो वही खाते जितना मिलता है। क्या 5 किलो में क्या महीने इंसान खा लेगा? नहीं खा पाएगा भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं खा पाएगा। कितना दिन चलेगा 5 किलो चावल? हम रहते हैं यहाँ बजरंग नगर में और मेरा वोट है वहाँ राज भारती में है। अब बताइए हम कैसे ऐसी हालत में कैसे जाएंगे वहाँ राज भारती। आप देख सकते हैं कि एक जो है किस तरह से चल करके कहाँ दूर रहते हैं, मतदान केंद्र दूर है लेकिन वोट डालने आए हैं। मुख्य मुद्दा है इनका बेरोजगारी और महंगाई। मेरा जो वही जाता देने वोट देने बराबर जाता है, मेरा बच्चा चल नहीं पाता है, समझ लीजिए। ऐसा थोड़ी ना होने, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो सरकार को महंगाई और बेरोजगारी जो 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 मैं जो माताओं बहनाएं कह माता जी और बहन जी ने बोला अभी, महंगाई और बेरोजगारी जिस पे सरकार को काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जो मतदान है जी, हमारे लोग, हम लोगों की, हमारी जनता या हम लोगों ने इसलिए किया है कि मोदी जी की जो अब तक की योजनाएं थी वो पूरी होती रहे और इसके बाद आगे की जो तमाम योजनाएं हैं, जैसे कि पीओके को अपने लेना, तमाम ऐसी ज़मीनें हैं हजारों करोड़ एकड़ जो किसी संस्था को लोगों ने सब दे दी हैं, उन पे करोड़ों अरबों रुपए की हैं, उनको भी उनसे वापस लेना है। इस तरीके से देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता और देश के राष्ट्रवाद, देश की ताकत बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस मतदान में भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। बहुत बढ़िया भाई साहब, आप अपना परिचय देते हुए बताइएगा। मैं ईश्वर चंद दीक्षित, सेक्टर संयोजक, भारतीय जनता पार्टी। मैंने मोदी जी द्वारा जो राष्ट्रवाद और उनके विकास के जो मुद्दे हैं उनको, उनके ऊपर उनको वोट किया है। और ये रक्षा मंत्री जो है मेरे, इन्होंने लखनऊ के अंदर बहुत ही काम कराया और साथ ही जो तुम्हारे
रक्षा मंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने देश के जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को वो दिया, बड़े बड़े वो क्या कहते हैं उनको, डिफेंस एक्सपो, हाँ, और इसी बेस पे उन्होंने दिया है। और ये हमारे ठीक, भाई साहब धन्यवाद। भाई साहब आप बताइएगा, आपने किन किन बिंदुओं को देखते हुए आपने आज मतदान किया है, आप परिचय देते हुए बताइए। मैं रामकृष्ण द्विवेदी, मेरा तो मेन मुद्दा है राम मंदिर, बस भगवान राम बस उनके आधार पे, जय सिया राम, धन्यवाद। भाई साहब आप बताइएगा, आपने किन किन बिंदुओं को देखते हुए आज आपने मतदान किया है। मैं सर्वप्रथम अपने देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए और हमारे राजनाथ जी के लिए लोग बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन कर रहे हैं, और बहुत अच्छे स्तर पर मतदान भी जा रहा है, और देश बहुत ही अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिसको देखते हुए सबसे पहला बिंदु तो यही है कि आज हमारे देश में चारों तरफ खुशहाली का माहौल है, लोगों में उत्सुकता है, जागरूकता है, और डिजिटल को लेके काफ़ी आदमी जागरूक हुआ है। और मैं देखता हूँ जैसा कि हमारे देश का विकास, और सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं हिंदुत्व का ही मानता हूँ, और हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाले बहुत ही ऐसे कम लोग हैं। अन्य पक्ष विपक्ष की बात करूं तो सबसे बड़ा तो समर्थन मेरा यही जाता है कि हिंदुत्व के लिए और हम अपने जनमानस की खुशी के लिए और देश के विकास के लिए हम इन्हें ही सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। तो आप देख कि आपने किन बिंदुओं को देखते हुए मतदान किया है। मैं परमेश कुमार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, और आज मैंने मोदी जी के पक्ष में वोट किया है, और जनता का विश्वास मोदी की गारंटी ही गारंटी है, ठीक है, और देश की विकास और बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान और राम मंदिर के लिए वोट किया है। बेरोजगारी और राम मंदिर के लिए आपने वोट किया है, और क्या आपको युवाओं के लिए क्या जो है समस्याएँ ऐसी लगती हैं जो कि सरकार को और काम करना चाहिए? सरकार जो है नौकरियां लेकर के आए और अच्छी शिक्षा दे, और इससे यही योजनाएं लाए, बस इससे बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। कहते हुए आप बताएं कि आपने किन बिंदुओं को देखते हुए आज मतदान किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मैंने आज मोदी जी के पक्ष में वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, और मैं भारत को विकसित देश बनाने के लिए जो है मैंने वोट किया है। सर्वप्रथम मैंने जो है राम मंदिर को देखते हुए वोट किया है, और मैं चाहता हूं कि इससे ऐसी योजनाएं हमारे इसमें आती रहें, इसलिए मैंने वोट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई साहब आप अपना परिचय देते हुए बताइएगा कि किन बिंदुओं को देखते हुए आप आज मतदान कर रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब, मेरा नाम मनोज गुप्ता है। हम लोग राष्ट्र के लिए वोट कर रहे हैं। 370 खत्म हुई है, राम मंदिर मिला है, POK चाहिए, इसके लिए वोट कर रहे हैं। भाई साहब आप बताइएगा। हम सनातन की रक्षा के लिए और राष्ट्रहित में जो अच्छा लगा है वही उसी को हम लोग वोट दिए हैं और वोट करा रहे हैं। राष्ट्र और धर्म के नाम पे भाई साहब लोगों को वोट पड़ रहा है, बाकी और भी हम जानेंगे लोगों से कि क्या क्या जो है मुद्दे हैं लोगों के दिमाग में। भाई साहब आप बताइए, अपना परिचय देते हुए किन बिंदुओं को देखते हुए आप मतदान कर रहे हैं। राष्ट्र के हित में हम लोग वोट कर रहे हैं, और सनातन धर्म हिंदू जो सोया है उसको जगाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। उनको पूर्णता उनके अंदर जो सोई हुई है उस आत्मा को जगाने के लिए अपने आप को पहचानो और वोटिंग करो, वो बहुत जरूरी है। तो सनातन को जगाने के लिए वोट हो रहा है। भाई साहब आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं रमाशंकर अवस्थी हूं, और मैं चाहता हूं कि देश की सीमाएं चहुंओर सुरक्षित रहें, और जब देश की सीमाएं चहुंओर सुरक्षित रहेंगी हर आदमी एकदम स्ट्रांग महसूस करेगा, और देश को एकदम एकता के सूत्र में बांध करके हमारे देश को बहुत मजबूत बनाएगा। धारा 370 हट गई, हमारा राम मंदिर बन गया, धीरे धीरे और भी देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और आर्थिक रूप से इतना मजबूती को प्राप्त कर रहा है कि जो पहले 10वीं पोजीशन पे थे आज 5वीं पोजीशन पे आ गए हैं। हो सकता है कि
अगले बहुत ही कम समय में चौथी और तीसरी भी मैं पे आ जाए। पीओके भी हमारा है और पीओके हमारा बहुत जल्दी मिलना चाहिए और ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्दी वहाँ की जनता भी हमारे पीओके हमारे देश में मिलने के लिए बिल्कुल आतुर है। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने वोट दिया है। तो राष्ट्र की सुरक्षा देखिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जिसमें भाई साहब लोगों ने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा हमारे लिए प्रथम जो है प्रथम बिंदु है जिसके लिए हमने मतदान किया हुआ है। आइए और भी जानते हैं, आप युवा हैं, आप बताएं आप किन बिंदुओं को देखते हुए मतदान आज कर रहे हैं? हम जो है हमारा वोट अभी 25 तारीख को पड़ेगा अम्बेडकर नगर में, लेकिन मैं यहाँ लखनऊ वासियों को देख करके बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे बढ़ चढ़ कर लोग मत डाल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और जो है यहाँ पे जातिवाद और परिवारवाद को ख़त्म करने के लिए जो है लोग वोट दे रहे हैं। राम जी से नज़रें मिला पाए इसलिए लोग वोट दे रहे हैं और फिर से मथुरा को पा सके इसलिए लोग वोट दे रहे हैं। और जो यहाँ पर एक गलत राजनीति चला दी गई है सेकुलरिज्म को लेकर के, उससे बच सके लोग और जो है तमाम बिंदु हैं जिस पे लोग वोट दे रहे हैं। मैं 25 को अपना मत जो अम्बेडकर नगर जिले का मैं रहने वाला हूँ, मैं अपना मत दूंगा और इसको देखते हुए मैं जो भी पाँचवें चरण में जहाँ जहाँ वोटिंग है 25 तारीख को, मैं उन सबसे आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रवाद के लिए वोट दीजिए, अपने समाज अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए वोट दीजिए, हिंदू समाज के लिए वोट दीजिए और जो आप उन वोट उनको दीजिए आप जो है कि जो आपके देश को सुरक्षित रख सके और जो है हम जिस खुल करके बोल सके, खुल करके रह सके, खुल करके चल सके, इसके लिए वोट दीजिए। आप परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति से उठ करके वोट दीजिए, आप जो है राम मंदिर के लिए वोट दीजिए, अपने आगामी आने वाले जो है बच्चों की सुरक्षा के लिए वोट दीजिए। तो राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के लिए वोट दीजिए और सामाजिक एक समरसता बनाने के लिए उन्होंने अपील किया हुआ है। युवा हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, मतदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चुनी हुई सरकार आएगी उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मेरा नाम पुष्पराज सिंह है और चुनाव में हम बिंदुएँ क्या है भाई, सरकार अच्छी चल रही थी उसी आधार पर हम लोगों ने वोट दिया है और हमारी उम्मीद है कि कानून व्यवस्था और रहेगी बात अपनी अपनी पसंद है, लोग कैसे क्या कर रहे हैं, है ना गुरुजी? और आने वाली सरकार भी हमें उम्मीद है कि हम लोगों को जो उम्मीदें हैं उस पर कायम रहेगी। इस सरकार से जो सरकार वर्तमान में है इससे क्या कुछ और आप अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले समय में कुछ समस्याएं रही हों उस पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है? बहुत चीज़ें हैं जिस पर अभी वो काम कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे आगे, तो जनता जनार्दन। जैसे कुछ लोग, कुछ युवा कह रहे हैं कि इस समय बेरोजगारी की समस्या रही है, कई सारे परीक्षाएं से सरकार में रद्द हो गई, सरकार कार्य से नहीं करा पाई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे पहले नहीं हुई थी? इससे पहले भी तो बेरोजगारी थी भैया, बेरोजगारी पहले भी थी और परीक्षाएं पहले भी रद्द होती थी। अब ऐसा तो है नहीं कि रद्द हो गई और दोबारा होंगी ही नहीं जी, परीक्षाएं दोबारा से भी होंगी इनका कहना है। और महंगाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आजकल विद्यालयों में लोग कह रहे हैं कि हर साल महंगाई बढ़ रही है, पुस्तकों के कीमतें बढ़ रही हैं, इस विषय में कुछ कहना चाहिए? महंगाई समय के हिसाब से तो बढ़ ही रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखिए, ज़रूरतें जब उस व्यवस्था की जिससे जो हम लोगों की है पूरी नहीं हो पा रही, जनता इतनी ज़्यादा हो रही तो खाने वाले ज़्यादा, पैदा करने वाले कम हैं, लोगों की आमदनियाँ भी तो बढ़ रही है साथ में, आमदनी भी बढ़ी, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है लोगों की आमदनी बढ़ रही है, हर साल महंगाई बढ़ रही है, किताबों के रेट बढ़ रहे हैं तो लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है, व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी उन्नति हो रही है, तो महंगाई और ये मतलब ये सब चीज़ें तो हमेशा की हैं, बढ़ती रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि 2014 के बाद अचानक से महंगाई बढ़ गई, ये सब चीज़ें होती रहती है। अभी आप बात कर रहे थे कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक पहले भी होते रहे, कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन अब अंतर आप देखिए क्या है, नौकरी वाले नौकरी पा जाते थे, जैसे आप बताएं कि जो है पेपर लीक हो जा रहा है, पहले तो वैकेंसी नहीं निकाली जाती थी, सब मुलायम खानदान के लोग नौकरी पा जाते थे। अभी क्या होता है कि पहले भी पेपर लीक होते थे, अभी भी होते हैं, पहले की सरकारें क्या होता था, पेपर लीक होने के बाद मामला ठंडा पड़ जाता था, आज एक्शन होता है, आज बुलडोजर चलता है, जो
नौजवानों के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है उनके घरों पे। तो अब ये बदलाव आया है, पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, सरकार उस पर काम कर रही है और जल्दी ही वो खात्मा करेंगे। तो युवाओं का कहना है कि सरकार से जो इस बार खामियां हो गई हैं, पेपर लीक हो चाहे परीक्षा रद्द हुई हो, आने वाले समय में उस पर काम किया जाएगा। और आने वाली सरकार से, केंद्र सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सब अच्छा अच्छा करें, हम लोगों के लिए फ़ायदा करें, और क्या है और क्या उम्मीद करेंगे पहले बताइए। किसानों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किसान तो बहुत खुश है, किसान बहुत खुश है, खाद मिल रही है, 2000 रुपये महीना मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, पानी नहर में मिल रहा है, और किसानों क्या चाहिए? पक्के घर मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, राशन मिल रहा है। तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ किसानों को, महिलाओं को, सबको मिल रहा है। महिलाओं से हमने, महिलाओं से पहले महिलाएं सोचती थी कि कब अंधेरा हो तो हमको लैट्रिन बाथरूम करने की व्यवस्था मिले, आज हमारी माताएं बहनें एकदम बिना संकोच के लैट्रिन बाथरूम कर रही हैं, शोषण नहीं हो रहा, महिलाओं को सुरक्षित सुरक्षा प्रदान हो रही है, माफिया खत्म हो गए प्रदेश के, और जो बच्चे वो जेल में हैं। आज देखिए हमारी माताएं बहनें कैसे पोलिंग पे आके वोट डाल रही हैं, इससे पहले क्या डाल पाती थी? ये सब हमारे बाबा मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो महिला सुरक्षा को लेकर देखिए, आपने सुना कि इस समय महिलाएं सुरक्षित हैं और खुल के रात बिरात आ रही हैं, जा रही हैं। आइए हम और भी आप बुजुर्गों से, कुछ वरिष्ठ लोगों से जानते हैं इस सरकार के और आने वाली सरकार के बारे में, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं विमलेश कुमार, एडवोकेट, लखनऊ हाईकोर्ट। मुझे सबसे अच्छा लगा कि जो डिजिटली प्लेटफॉर्म तैयार किया है केंद्र सरकार ने, वो सबसे बेहतर है, और इसके माध्यम से जो लाभार्थी को डायरेक्ट उसको बेनिफिट मिल रहा है, इसमें कोई भी चोरी की संभावना नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल के बारे में इन्होंने, डिजिटलाइजेशन जो भारत सरकार ने इस बार किया है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, जो कि पिछले विगत 70 वर्षों में नहीं हो पाया। जी जी, और नया आप क्या सरकार से चाह रहे हैं डिजिटल व्यवस्था के बारे में? नया विदेशी नीति को और बेहतर बनाएं, और टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर को और बेहतर बनाएं, जिससे लोगों तक डायरेक्ट जो जुड़ना चाहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कॉलेज में जो डिजिटली एजुकेशन दी जा रही है, इन सबको बढ़ावा मिलेगा, जैसे प्रिंट मीडिया और जो वातावरण पर्यावरण जो हमारा कापी किताबों से जो नुकसान होता है वृक्ष का, इसका भी डिजिटलीकरण के माध्यम से इसका भी कुछ न कुछ अच्छा संदेश दिया कि पर्यावरण सुरक्षा भी इससे होगी, डिजिटलाइजेशन जब हो जाएगा तो पेड़ कम कटेंगे, पेपरलेस काम होगा और पर्यावरण की सुरक्षा होगी। आप भाई साहब बताएं, परिचय देते हुए आप आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं? जो काम तो सही कर ही रही है भाई, सबसे नंबर वन तो एक चीज़ ये है गुंडागर्दी का पहली रोक जो है, और दूसरा ये जो सरकार कर रही है भाई, अब रामराज तो नहीं पर लेकिन बहुत कुछ किया है सरकार ने, ऐसा तो है नहीं। तो सुरक्षा के विषय में इनका कहना है कि सरकार ने जो है लगभग प्रदेश और देश को सुरक्षित कर दिया है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, और आने वाले समय में आप सरकार से क्या अपेक्षा करना? अरे आप बोलिए। आने वाले समय में जो इस समय हमें दिख रहा है मीडिया पे होते हुए कि जो भी आपकी सरकारी संस्थाएं उनका दुरुपयोग जो हो रहा है, ठीक है, उनको होना अब कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए, ताकि आप एक फेयर इलेक्शन हो, ताकि और जो पार्टियां हैं वो भी मतलब इक्वल प्लेटफॉर्म पे आके आपसे फाइट करें, आपको वोट इस चीज़ पे मिले कि आपने अच्छा काम किया है, ना कि इस चीज़ पे आपको वोट मिले कि आपने और पार्टियों को लड़ने का मौका नहीं दिया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, मतलब यही उम्मीद करते थे और यही उम्मीद करते हैं बीजेपी से कि अच्छा काम किया है अब तक, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव जो होता है ना क्रिटिसिज्म, बहुत ज़रूरी होता है। हम सरकार को चुनते ही अच्छा काम करने के लिए हैं, कोई चुनता है बुरा काम करने के लिए? क्या नहीं चुनता है ना, ठीक है। तो बुराइयाँ अगर हम हाईलाइट नहीं करेंगे सरकार की, तो कौन करेगा हाईलाइट? तो अगर जो बातें बोल रहे हैं उस पर सरकार ध्यान देना चाहिए। युवाओं का कहना है कि सरकार की जो कमियां हैं, कि आपने किन बिंदुओं को देखते हुए मतदान किया है? मैं परमेश कुमार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, और आज मैंने मोदी जी के पक्ष में वोट किया है, और जनता का विश्वास मोदी की गारंटी ही गारंटी है, ठीक है, और देश की विकास और बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान और राम मंदिर के लिए वोट किया है। बेरोजगारी और राम मंदिर के लिए आपने वोट किया है, और क्या आपको युवाओं के लिए क्या जो है समस्याएं ऐसी लगती हैं जो कि सरकार को और काम करना चाहिए? सरकार जो है नौकरियां लेकर के आए और अच्छी शिक्षा दे, और इससे यही योजनाएं लाए, बस इससे बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।
आप बताएं कि आज आपने किन किन बिंदुओं को देखते हुए मतदान किया है और क्या क्या जो है सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं आप जीतने, जो भी जीतेगा अभी तो? हाँ काम तो अभी वोटिंग तो अच्छी हुई है और अभी लगभग लगभग कितने प्रतिशत मतदान हुआ होगा अंदाज़ आपका? लगभग 60% तो मतदान मेरे ख्याल से होना चाहिए, अच्छा हुआ है लगभग 60%। तीन हमारे पास थे कामाख्या और माउंट बेरी और ये रासपेल का, वोटिंग अच्छी हुई। अच्छा अच्छा, आप युवा हैं, आप बताएं आप आने वाले सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? जो भी है वैसे हमारे हिसाब से ठीक है, लेकिन ये जो रिक्शा विक्शा चल रहा है इतना जो जाम वाम लग रहा है ये बहुत दिक्कत करता है। और दूसरी चीज़ कि महंगाई भी बहुत बढ़ गई है तो गरीबों का बेचारा क्या होगा बताइए आप लोग, हैं इन गरीबों का क्या होगा भाई? भाई छोटे छोटे बच्चे हैं किसी के, गाड़ियाँ देखिए जगह जगह जाम लग रहा है, ये क्या है? ये सब रिक्शे कम कराइए थोड़े, बढ़िया गाड़ी भी रोड पर जाम भी ना लगे और आदमी परेशान भी हो रहा, लेट भी हो रहा, ऑफिस जा रहा वो लेट हो रहा है, ये कोई चीज़ कायदे से ऐसा करिए कि सबको हटाना रहे। ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ और मेरा कहने का मकसद ये है कि जिसके भी बच्चे हों सबको टाल रहे हैं माशाल्लाह, मैं भी हूँ, मैं चाहे कोई भी अच्छा हो दुनिया का कोई, मैं मेरा कहने का मकसद ये है भाई। तो ट्रैफिक की समस्या से नवयुवकों को समस्या यहाँ हो रही है और आप बताइए आपको क्या समस्या लग रही है या आप आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? आने वाली सरकार से अपेक्षा यही रखते हैं कि देखिए पुलिस प्रशासन बढ़िया होना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस बढ़िया होनी चाहिए और महंगाई मेन मुद्दा है, महंगाई पे और रोज़गार पे ही बात हम करें तो बहुत अच्छी बात है, बदलाव होना चाहिए और रोज़गार मिले लोगों को और महंगाई कम हो। महंगाई और रोज़गार ये बहुत बड़ा मुद्दा देखिए युवाओं के लिए है, आने वाले सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि महंगाई ट्रैफिक और रोज़गार इस पर सरकार काम करे। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे आने वाले सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, आपने किन बिंदुओं को देखते हुए मतदान किया, अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं अजमतुल्ला खान सर्वेयर लखनऊ, मैं चाहता हूं कि बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई एजुकेशन साथ में रोज़गार तो मस्त है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, बहुत ज़रूरी है, सब कोलैप्स करने के उस पे हैं, देख रहे हैं ज़माने में देख रहे हैं जो भी है वो किसी की हालत अच्छी नहीं है, कोई छोटा मोटा कैसा भी रोज़गार दे, रोज़गार बहुत, इसके बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा देखिए आ रहा है बच्चों के लिए, सबसे बड़ा समस्या है रोज़गार का और महंगाई, और बताइए और सरकार से और क्या अपेक्षा रख रहे हैं आप? भाई यही अपेक्षा, बाकी आम आदमी और क्या रखेगा, बस यही अपेक्षा सरकार से है कि बच्चों को जो है दिक्कतें कम से कम हो, एजुकेशन रोज़गार और चिकित्सा, बाकी आम आदमी और क्या चाहता है भाई, हमको तो पॉलिटिक्स करना नहीं है, जिनको पॉलिटिक्स करना वो करें लेकिन जनता का ध्यान रखते हुए करें, जो भी करें जो भी गवर्नमेंट आए जो भी जीत के जो भी सरकार आए ये उम्मीद है कि उससे रोज़गार और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा काम करे। आप बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इतनी देश में महंगाई का चरम पर है और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी पढ़ाई से लेकर किताब से लेकर पूरी बहुत महंगाई है और गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को, आज के समय पे कमा के खा ले यही बहुत बड़ी बात है। जी महंगाई भी देखिए एक बहुत जो है बड़ा मुद्दा है, जो आजकल के युवा हैं रोज़गार ना मिलने की वजह से किसी तरह अपना, आप क्या व्यवसाय करते हैं आप? जी मेरा वारसी सर्विस सेंटर है कल्याणपुर में। अच्छा, मैं मैकेनिक हूँ मोटरसाइकिल का। ये लोग मैकेनिक हैं, गाड़ी चला किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको जो है महंगाई जो स्कूलों में चल रही है ये इनका विशेष बहुत बहुत चरम पर है और बच्चे जब तालीम हासिल कर लेंगे पढ़ लिख लेंगे तभी आगे कामयाब होंगे, नहीं तो गरीब आदमी कहाँ वही ठेला लगाएगा पंचा बनाएगा यही काम करेगा। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि महंगाई स्कूल की जो फीस वगैरह है बहुत कम कर दें, प्राइवेट में जो है ना बहुत कम कर दें और जो सरकारी स्कूल हैं उनकी अच्छे स्कूल बन जाएं बढ़िया लखनऊ में अपने। तो शिक्षा स्वास्थ्य रोज़गार और ट्रैफिक ये मुख्य समस्याएं आपने सुनी जो आजकल अभी के युवा बुजुर्ग सब चाहते हैं कि आने वाले समय में रोज़गार अच्छा हो जाए,
शिक्षा अच्छी हो जाए, सस्ती हो जाए, महंगाई कम हो जाए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मेरा कहने का मकसद ये है, अभी भैया लेट हो जाओ, बच्चों को छोड़ने जाओ, देखो जाम लग रहा है, कहीं जगरानी पे लग रहा है, कहीं यहाँ लग रहा है, कहीं वहाँ लग रहा है, कोई मोटरसाइकिल खड़े कहीं कहीं कहाँ खड़े, अरे कोई तरीका है, एक किनारे साइड में खड़ी करिए गाड़ी भी, अगर आगे और जो है रोड भी किनारे होना चाहिए, बच्चे लेट हो रहे हैं छोड़ने में, आए आदमी लेने जा रहा तो जाम लगा हुआ, ये देखिए कोई उल्टा चला रहा, कोई सीधा चला रहा है, इसको मेरा कहने का मकसद है। और जो महंगाई है उस पर भी थोड़ा कायम करें कि गरीब आदमी क्या करेगा भाई गाड़ी चला के, मैं हूँ ड्राइवर और ऐसी सी दिक्कत है मुझे। देखिए गाड़ी चलाते हैं इसलिए इनको ट्रैफिक के बारे में समस्याएं होती हैं, तो सरकार से अपेक्षा करेंगे जो भी सरकार चुन के आए वो ट्रैफिक के बारे में काम करे। आप बताएं कि आज आपने किन किन बिंदुओं को देखते हुए मतदान किया है और क्या क्या जो है सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं आप जीतने, जो भी जीतेगा? अभी तो हाँ काम तो फिर वोटिंग तो अच्छी हुई है और अभी लगभग कितने प्रतिशत मतदान हुआ होगा अंदाजा आपका? लगभग 60% तक मतदान मेरे ख्याल से होना चाहिए, अच्छा हुआ है लगभग 60%। तीन हमारे पास थे कामाख्या और माउंट बेरी और ये रासपेल का, वोटिंग अच्छी हुई। अच्छा, आप युवा हैं, आप बताएं आप आने वाले सरकार से क्या क्या अपेक्षाएँ रखते हैं? जो भी है वैसे हमारे हिसाब से ठीक है, लेकिन ये जो रिक्शा विक्शा चल रहा है ना, जो जाम वाम लग रहा है, ये बहुत दिक्कत करता है। और दूसरी चीज़ कि महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, तो गरीबों को बेचारा क्या होगा बताइए आप लोग, हैं इन गरीबों को क्या होगा भाई? भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के गाड़ियाँ देखिए जगह जगह जाम लग रहा है, ये क्या है? ये सब रिक्शे कम कराइए थोड़े, बढ़िया गाड़ी भी रोड पर जाम भी ना लगे और आदमी परेशान भी हो रहा, लेट भी हो रहा, ऑफिस जा रहा वो लेट हो रहा है, ये कुछ तरीके कायदे से ऐसा करिए कि सबको लटाना रहे। ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ, और मेरा कहने का मकसद ये है कि जिसके भी बच्चे हों सबको टाल रहे हैं माशाल्लाह, मैं भी हूँ, मैं चाहे कोई भी बच्चा हो दुनिया का कोई, मैं मेरा कहने का मकसद ये है भाई। ट्रैफिक की समस्या से नवयुवकों को समस्या यहाँ हो रही है, और आप बताइए आपको क्या समस्या लग रही है या आप आने वाले सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? आने वाली सरकार से अपेक्षा यही रखते हैं कि देखिए पुलिस प्रशासन बढ़िया होना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस बढ़िया होनी चाहिए, और महंगाई मेन मुद्दा है, महंगाई पे और रोज़गार पे ही बात हम करें तो बहुत अच्छी बात है, बदलाव होना चाहिए और रोज़गार मिले लोगों को और महंगाई कम हो। महंगाई और रोज़गार ये बहुत बड़ा मुद्दा देखिए युवाओं के लिए है, आने वाले सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि महंगाई, ट्रैफिक और रोज़गार इस पर सरकार काम करे। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे आने वाले सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, आपने किन बिंदुओं को देखते हुए मतदान किया, अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं अजमतुल्ला खां सर्वेयर लखनऊ, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई एजुकेशन साथ में रोज़गार तो मस्त है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, बहुत ज़रूरी है, सब कोलैप्स करने के उस पर हैं, देख रहे हैं ज़माने में देख रहे हैं, जो भी है वो किसी की हालत अच्छी नहीं है, कोई छोटा मोटा कैसा भी रोज़गार दे, रोज़गार बहुत, जो इसके बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा देखिए आ रहा है बच्चों के लिए, सबसे बड़ा समस्या है रोज़गार का और महंगाई, और बताइए और सरकार से और क्या अपेक्षा रख रहे हैं आप? भाई यही अपेक्षा, बाकी आम आदमी और क्या रखेगा, बस यही अपेक्षा सरकार से है कि बच्चों को जो है दिक्कतें कम से कम हो, एजुकेशन, रोज़गार और चिकित्सा, बाकी आम आदमी और क्या चाहता है भाई? हमको तो पॉलिटिक्स करना नहीं है, जिनको पॉलिटिक्स करना वो करें, लेकिन जनता का ध्यान रखते हुए करें, जो भी करें, जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी जीत के जो भी सरकार आए, ये उम्मीद है कि उससे रोज़गार और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा काम करे। आप बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इतनी देश में महंगाई का चरम पर है और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी पढ़ाई से लेकर किताब से लेकर पूरी बहुत महंगाई है, और गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को, आज के समय पे कमा के खा ले यही बहुत बड़ी बात है। जी महंगाई भी देखिए एक बहुत जो है बड़ा मुद्दा है, जो आजकल के युवा हैं रोज़गार ना मिलने की वजह से किसी तरह अपना, आप क्या व्यवसाय करते हैं आप? जी मेरा वारसी सर्विस सेंटर है कल्याणपुर में। अच्छा, मैं मैकेनिक हूँ मोटरसाइकिल का। ये लोग मैकेनिक हैं, गाड़ी चला किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको जो है महंगाई जो स्कूलों में चल रही है ये इनका विशेष बहुत चरम पर है, और बच्चे जब तालीम हासिल कर लेंगे, पढ़ लिख लेंगे तभी आगे कामयाब होंगे, नहीं तो गरीब आदमी कहाँ, वही ठेला लगाएगा, पंचर बनाएगा, यही काम करेगा,
मतलब मैं आने वाली सरकार से यही मैं यही निवेदन करता हूँ कि महंगाई स्कूल की जो फीस वगैरह है बहुत कम कर दें, प्राइवेट में जो है ना बहुत कम कर दें, और जो सरकारी स्कूल हैं उनकी अच्छे स्कूल बन जाएं बढ़िया लखनऊ में अपने। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ट्रैफिक, ये मुख्य समस्याएं आपने सुनी जो आजकल अभी के युवा बुजुर्ग सब चाहते हैं कि आने वाले समय में रोजगार अच्छा हो जाए, शिक्षा अच्छी हो जाए, सस्ती हो जाए, महंगाई कम हो जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मेरा कहने का मकसद ये है, अभी भैया लेट हो जाओ, बच्चों को छोड़ने जाओ, देखो जाम लग रहा है, कहीं जगरानी पे लग रहा है, कहीं यहाँ लग रहा है, कहीं वहाँ लग रहा है, कोई मोटरसाइकिल खड़े कहीं कहीं कहाँ खड़े, अरे कोई तरीका है, एक किनारे साइड में खड़ी करिए गाड़ी भी, अगर आगे कर और जो है रोड भी किनारे होना चाहिए, बच्चे लेट हो रहे हैं छोड़ने में, आए आदमी लेने जा रहा तो जाम लगा हुआ, ये देखिए कोई उल्टा चला रहा, कोई सीधा चला रहा है, इसको मेरा कहने का मकसद है। और जो महंगाई है उस पर भी थोड़ा कायम करें कि गरीब आदमी क्या करेगा भाई गाड़ी चला के, मैं हूँ ड्राइवर और ऐसी सी दिक्कत है मुझे। देखिए गाड़ी चलाते हैं इसलिए इनको ट्रैफिक के बारे में समस्याएं होती हैं, तो सरकार से अपेक्षा करेंगे जो भी सरकार चुन के आए वो ट्रैफिक के बारे में काम करें।